रंजीता ले फिनाइल। ये देखिए फ्रेंड्स, अम्मा जी क्या हो रही है सफाई। ये अम्मा की बोतल में पलट लिया, मेरे को बोतल दे दे। आप लोग पूछते कौन करता है, ये लड़की करती है यहाँ की पूरी सफाई पार्किंग की। बोतल में पलट के अम्मा के, ये बोतल दे दे मेरे को, मैं अपनी इसमें वो डाल लूंगी फिनाइल। हो गई सफाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ आलू के परांठे, क्योंकि घर में कोई भी सब्जी नहीं है, तो जो आलू उबले हुए थे उसी के बना रही हूँ परांठे। किस चीज का पानी किया है आज आपने? दीक्षा ये मेथी का पानी करा है। अच्छा, ये वो मेथी है जो कड़ी में डलती है, मैं नहीं खाती। अच्छी चीज तू खाती ही क्या है? ये पता है बालों के लिए, घुटनों के लिए, शरीर के लिए कितनी अच्छी है मेथी, बाय बाधी मारती है। मेरे को ये समझ नहीं आता यही चीजें क्यों अच्छी है, पिज्जा बर्गर क्यों नहीं अच्छे बनाए? पिज्जा बर्गर खाओ वो अच्छे रहेंगे, जरूरत क्या है तो पानी पीने का? बनाए क्यों नहीं, ये भी तो होना, ये भी कभी किसी ने सोचा है? मैंने सोचा, किसी ने सोचा है ऐसा कि कभी पिज्जा बर्गर अच्छे क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो जहर है, मैदा के बनते हैं और तुम्हारे घर में वैसे ही जहर बहुत खाया जाता है। जहर क्यों बनाया है? अब मुझे क्या पता, इतनी पानी तो बहुत ही गंदा लग रहा है, कैसे पियोगी एक लीटर? इतनी डीपली मैं नहीं गई, सुबह मैंने पिया 1.5 लीटर, तो तुझे पीने में क्या है? परांठा मत जला देना कल की तरह। अरे हाँ, वीडियो के चक्कर में कभी परांठा जल जाए। सिम पे रख दियो, तो अभी तेज पे रख दियो। तेरे पापा को जल्दी हो रही है ना इसलिए। चल तू वीडियो बंद कर देती हूँ मैं। सुना, ये चम्मच पे मत लेक्चर सुना देना, अब तुम्हारे चम्मचे भी अलग है घर में, अभी यही चम्मच है खाली अचार के लिए, तुम्हें खाने के लिए नहीं है। पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे दो, चम्मच लानी है। पैसे पैसे, ये मेरी बहन ने मेरे लिए अचार भेजा था, ये तुम किस लिए खा रहे हो ये नींबू का अचार? जब देखो पैसे पैसे पैसे, पता नहीं पैसे कहाँ लेके जाएगी। पैसे तो मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी, सब यहीं छोड़ के जाऊंगी, जो मैंने पहना हुआ है ना ये सब भी निकाल लोगे तुम। पैसे तो राजा महाराजा भी नहीं लेके गए, तू क्या लेके जाएगी? तो बस फिर किस लिए गाना गाते हो तुम? मेरे पैसे कहाँ लेके जाएगी, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? पैसे पैसे पैसे, इनकी फ्रेंड्स। आपको एक बात और बताती हूँ, ग्लास फिक्स, स्पेस फिक्स, चम्मचे फिक्स, चम्मच फिक्स, वो सामान अगर इधर से उधर हो गया तो आप मेरी हालत सोच सकते हैं कि क्या होगी। तू भी इधर से उधर हो जाएगी। बेचारी स्पेशल जो मेरे यहाँ काम करती थी वो बर्तन भी मारती थी, मैं डर डर के उसको कहती थी भाई ये ग्लास यही रखना है। इवन अखबार की पोजीशन भी, हाँ वो सेम, इधर से मतलब इधर से इधर नहीं हो सकता, मतलब ये प्रॉब्लम है। और गद्दे की पोजीशन भी ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे है तो ऐसे ही रहने चाहिए अगर तुमने साफ सफाई की है तो। इवन तकिया भी, हर चीज। तो बताओ फ्रेंड, मैं कितने साल से कैसे ये सब मैनेज करती आई हूँ, आप ये बताओ पहले कि कैसे कोई लेडी कर सकती है, लेकिन पहले कर रही है। हिम्मत, हम तो नहीं कर सकते। दीक्षा चाय मन में चाय कली तो पिलाई थी। दीक्षा चाय तो रोज पीते हैं, माँ में चाय बिल्कुल अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए। दीक्षा जरूरी नहीं है कि हर सेहतमंद चीज पी खाई पी जाए, अब तू तो मेथी जगह भी तेरे को पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, अब मैं चाय भी ना पीऊं? वैसे ऐसा क्यों है कि पिज्जा वगैरह हेल्दी नहीं होता? फ्रेंड्स आप लोग बताओ कि आप दिन में कितनी बार फ्रिज खोलते हो विदाउट एनी रीजन? ये सारा दिन खोल के खड़ी रहती है मुंह पे हवा लेने के लिए, फ्रिज का सत्यानाश कर देगी ये मेरे का। दिखा तू तो अपने फ्रिज लिया किस लिए बेटा? नोनू तू तो ससुराल चली जाएगी, ये तो मेरे बुढ़ी के लिए तो पड़ी रहने दे फ्रिज, मुझे कौन दिलाएगा आगे फ्रिज? आ जाएगी नई फ्रिज। ये देखिए बिना अम्मा के पास होके आई, अम्मा के पास ही होके आई, चाय भाग पिलाऊंगी। हाँ। मैं बना दूं? तुम सफेद चीज चाहिए तेज पत्ती और दो सफेद।
कर पा रहे। दो एक का बन जाए। शक्कर पा रहे मतलब नमक पा रहे खाने या नमक पा रहे। अरे आपको खाने हैं, आपको खाने हैं, अभी ला के दे रही हूँ। चाय कैसी बनानी है आपकी, दूध कम या ज्यादा? चाय कैसी बनानी है, दूध कम, कम। पानी ज्यादा, चीनी? चीनी और पत्ती तेज फ्रेंड्स। मम्मी के कर दूध कम और पानी ज्यादा ना। मम्मी के कर, मम्मी अभी लेटी हुई है। ये सूखे सूखे कपड़े में एक कतार लेनी, एकदम आओ बांध। अम्मा अभी तार लेंगे, अभी तो सुखाए, अभी बहुत गर्मी है। एकदम आओ, दूध ज्यादा पानी कम, सॉरी पानी ज्यादा दूध कम। बना के लाऊ या नहीं? फिर वो दीक्षा के तरह सुने लेकिन वो प्रिया क्या काम है आपको बताओ? ये थैली ले जाऊंगा। अम्मा पापा गुस्सा करेंगे आपने ले लिए। नहीं रुका जी, हम नहीं दिए थे, चुपचाप पे जाकर थे। मुँह क्यों कहो, मान लिए थे। चलो मैं लेके जा रही हूँ, मैं बताऊंगी पापा को कि आपने लिए थे, और आगे से मत लेना ये वाली। उड़ली पुरली ना समझ आती मेरे को ये वाली। फ्रेंड्स पापा वीडियो देखेंगे और मुझे गालियां पड़ेंगी। मम्मी ये आम लिए, अम्मा ने पापा को मत बताना, और इसको धो देना। अब अम्मा चाय कह रही है। अम्मा की चाय कैसी बनती है? जैसे तेरे पापा की बनती है, पतली सी। पतली बनानी है? पतली। कह रही है कि प्रिया को बोल दे चाय बना दे, कि मैंने कहा मैं बना देती हूँ। कह रहे ना तुम सफेद सफेद सी बनाती हो। ताई बिना दूध की बनाती है पतली सी चाय, हरियाणा वाली। ताई बिना पकी। हाँ तेरी ताई सेम पापा जैसी बना दूँ? हाँ तेरे पापा हरियाणा के ना, तेरी ताई भी हरियाणा की है, वैसी बनाती। ताई हरियाणा की है? हरियाणा की। अब फ्रेंड्स ये कमेंट मत करना कि हरियाणा में बहुत दूध पिया जाता है, क्योंकि सबकी अपनी पसंद होती है, उसमें हरियाणा यूपी कोई मैटर नहीं। और ये सब मजाक है। यस। और ये देखो फ्रेंड्स वाटरमेलन लाए थे, सारा खराब। अब मैंने कहा गाय को खिला देना, तो मेरा भाई कहता खा ले, क्योंकि तू काऊ है। जब मैंने उसको बोला गाय को खिला देना, तो कह रहा है हाँ खा ले। तू हमारे घर की काऊ है ना, इसलिए खा ले। फ्रेंड देख रहे हो आप ये मुझे कैसे बोलते हैं? फ्रेंड्स ये खुद ही कहती है मैं गाय हूँ, छिलके वाले वो खाती है तरबूज। और आपकी अम्मा बोल रही है सास की सारे कपड़े तार लो फटाफट। अरे अभी तो डाले गीले हैं अभी कपड़े। ये बोलो अभी आपको रेस्ट करना है। दीक्षा अभी डाले हैं कपड़े, तेरे सामने डाले 2 बजे कपड़े, 4:30 तक कपड़े सूख जाएंगे इतनी जल्दी। अभी तो अब मेरे को डाउट में हूँ कि मैं अम्मा की चाय बनाऊँ या नहीं। प्रिया को बोल दे। और अम्मा नमक पारे मांग रही है। हाँ दे दे ये रे अम्मा के। अम्मा के वो बिस्किट भी रखे हैं कोकोनट वाले। अम्मा कह रही है नया पैकेट लेके आओ। काय का? बिस्किट का और एक उसका पेठे का और छोटे वाले समोसों का। वो तो ले ही हुई है, नमक पारे ये वाले दिया जाए चाय के साथ। मम्मी। यस नोनी। टेक नोनी। चाय ये इतना बड़ा मग्गा भर के। मम्मी फिर आप कहते हो दोबारा बना, कम पड़ गई आप और सोनी का, इसलिए मैं सोचती हूँ एक ही बार। दीक्षा सोनी का कहती है एक ही बार रांद काट दूं। हाँ। फ्रेंड्स ये रांद काट रही है। फ्रेंड्स ये देखो ये न्यू कम्फर्टर खोल लिया राखी एंटरप्राइजेस से, और यही ओढ़ते हैं सारा टाइम। वाह दीक्षा सच में चाय बहुत टेस्टी बनी है। देख रहे हो कमाल, नोनी तो इधर जादू कर दिया। तो अब इतनी कम है ज्यादा है सही है।
फ्रेंड्स अम्मा के नमक पा रहे और अम्मा की चाय लटक चुकी है क्योंकि ऊपर वालों ने लटकाई है। अम्मा ही देखो सिर्फ दो चार लाई हूँ, दो चार खाती रहना यहाँ पे। हाँ हाँ के चाह काट लाऊं फ्रेंड्स, चाय काटना इज अ टास्क फॉर मी। अरे भाई कैसे काटूं, कैसे निकालूं? काट ली अम्मा मैंने, कहाँ रखनी है? लो गुल्लू की गाड़ी के आगे धर दी। बुल्लू तेन बोली मेरी चोरी हो जाएगी, वहां गाड़ी खड़ी कर ली। हाँ तो सही है, यहाँ खड़ी तो है। पी लो आप चाय, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। बात सुन ले तो, आज सुनो तो ले जाकर सकुटी और कंधे ढूंढ लिया दुकान पर, मेरा सिर नहीं बाया, मतलब मैं दुखी हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। अभी लाती हूँ कंघे, जल्दा बाद चल जल्दी जा। मम्मी मिल गया टाइम आटा करने का। मेरे पास तो और तुम्हें सोचते रोटी ही पक हो गया, पोना खाना, पता है घर के कितने काम है, अभी आटा डालना। और अभी ये देख ट्रिक देख इस आटे को इसमें सेट करने की, ये मेरी सासू जी ने सिखाई थी मुझे कि ऐसे ऐसे करके आटा। मम्मी ये ट्रिक तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता होगी ये ट्रिक, पता थी क्योंकि मेरे मायके में तो मेरी मम्मी ने कभी हमें बताया नहीं। ड्रम बड़े होते थे, गेहूं लिमिटेड पीसते थे, पता नहीं चलता था। और यहाँ गेहूं छोटे होते हैं, नहीं ड्रम छोटे होते हैं और गेहूं ज्यादा होते हैं। हाँ, तो ये मेरी सास करती थी ऐसे बैठ के, तो मैंने भी कर करके सीख लिया। फ्रेंड्स एक वीडियो में मैंने बोलता 50-50 किलो, 50-50 किलो नहीं 500-500 किलो, 500-500 1000-1000 किलो गेहूं डलवाती थी मेरी सास, 1000-1000 किलो छोड़े हैं मेरी सास। फिर उसको पिसवाने जाते थे कट्टों में, उससे पहले हम धूप लगाते थे, छानते थे, फटकते थे। फ्रेंड्स हमारा हमारा घर ना यही था, मतलब ये अभी लास्ट कितने सालों में बना है, 7-8 साल हुए होंगे, 9 साल हो गए इस घर को बने हुए। तो पहले हमारा पूरा घर था जड़ समेत, तो इसमें क्या था कि हमारा एक फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे हम और दादी रहते थे, फिर उससे ऊपर ताई रहती थी और उससे ऊपर छत थी, तो छत में हमने एक रूम बनवाया हुआ था, तो वहां पे सारा हमारा ये राशन पानी स्टॉक होता था। हाँ मतलब वही मम्मी, तो पहले हमारे फ्रेंड गेहूं आते थे तो हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती थी, नीचे से भाभी जी डाल के देती थी, ऊपर में खड़ी होती थी, ये बच्चे लाइन लगा, हम सारे सीढ़ियों में लग जाते थे, भगोने पकड़ पकड़ के जाते थे गेहूं डाल डाल के, वहाँ ऊपर डाल डाल के आते थे सारे बच्चे मिलके, तो ज्वाइंट फैमिली का फ्रेंड बहुत सुख होता था। और मतलब ये देखिए कि मतलब हमारी 10 या 12 बोरी आती थी जो कि हमें पता नहीं चलती थी कि मतलब कब में डल गई, ऊपर मैं डलवाती थी, गोलियां डालती थी, नीचे से भाभी जी बच्चों को डाल डाल के देती थी, और सारे बच्चे आप यकीन मानोगे ऐसे लाइन पता दोनों जीनों में खड़े हो जाते थे गेहूं डलवाने। गेहूं आ गए, दाल आ गई, दालें आ गई, राजमा छोले, भी दाल छोले वगैरह भी सब 100-100 किलो लेती थी, तो हम सब स्टोर में ऊपर स्टोरेज करते थे। मेरी जो सास है उनकी शादी की पीतल की कुंडा इतनी बड़ी बड़ी नीचे रखी हुई है शायद। हाँ शायद, और फिर कुछ गेहूं की टंकियां थी, बाकी ड्रम ले रखे थे प्लास्टिक के, पहले जैसे कपड़ों में लेते थे ऐसे, तो उन सब में हम सामान भरते थे और गोलियां डाल के रखते थे। तो सास के राज में हमने बहुत ऐश की है, अब मेरी सास ने सब छोड़ दी अपनी मोह माया, क्योंकि अब उनको इतनी ताकत नहीं रही ना उनके शरीर में, तो वो पहले खुद भी करती रहती थी, तो अब उन्होंने सब हमारे ऊपर छोड़ दिया। और जब बच्चों के ऊपर सब कुछ आ जाता तो ये रेडीमेड शुरू हो जाता है फ्रेंड, क्या करें, लिमिटेड लिमिटेड। पहले हम थोड़ा देसी खाते थे, अब ये सब बाजार का मिलावटी खाते हैं। मेरे इतने बड़े ड्रम थे मेरे पास 50-50 किलो के, जिनमें मैं आटा पिसती खाती थी, अम्मा रखते थे हम। पर मम्मी पहले हमारे पास स्पेस भी थी फिर। हाँ क्योंकि खुला घर था पहले, पहले हमारा घर ओपन मतलब क्या था मैं आपको बताती हूँ, ये सारा वो था वरांडा, और ये जैसे अभी रूम्स है ऐसे ही रूम्स थे, ये सारा ओपन था, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, तो बरांडा जो ओपन में मेरी सास अब भी ओपन में रहती है, ओ हाँ वो तब भी ओपन में सो, तो यहाँ पे हमारा कर्टेन भी लगा देते थे उनको, वो भी बर्दाश्त नहीं था कि कर्टेन भी क्यों लगा, यहाँ पे हमारे वो थे वॉशरूम, और जैसे हमारे ये दो रूम थे ना, तो एक रूम को हमने किचन बनाया हुआ था और एक रूम में हम लोग सोते थे, और ये सारा ओपन, और दादी की खाट यहाँ बिछती थी, यहाँ खिड़कियां थी ठीक है, और यहाँ पे हमारा गेट था, और यहाँ पे सोफे लगे हुए थे ऐसे करके सोफे, तो सोफे पे उनके कपड़े पूरे बिछे रहते थे, हम ये कहते थे कोई गेस्ट आएगा तो वो सोए वो बैठेगा कहाँ, तो हम उनको अपने रूम में बिठाते थे गेस्ट को।
तो जैसे उनके कपड़े अभी भी फैले होते ना उनके, जब हमारा घर वैसा था तब भी फैले रहते थे। उनकी फ्रेंड्स अलमारी पहले भी थी और अब भी है, लेकिन उनको आदत नहीं है अलमारी में रखने की। उनको लगता है मैं सब सामान अपने हाथ के नीचे रखूं, छोटे छोटे शीशों में नमक वमक वो सब अपना टेबल पे सजा के रखती है। तो वो पहले से ही रखती है, मतलब वो ये नहीं है कि वो अब से रखती है, वो पहले से जब हमारा घर नहीं बना हुआ था तब से रखती है। तो पहले दादी बाहर सोती थी, हम यहाँ अंदर सोते थे, ये रूम हमारा किचन था। तो ये था हमारे पुराने घर का होम टूर, समझ गए आप लोग। यहाँ से सीढ़ियां जाती थी, ऊपर भी दो रूम्स बने हुए थे और ये ऊपर पूरा बरामदा था। इस तरफ किचन थी, दो किचन थी मेरी, दो ताई जी की, और इधर वॉशरूम टॉयलेट वॉशरूम था, और फिर उसके ऊपर छत थी। तो ऐसे था पुराना घर हमारा। फिर ये हमने न्यू बनवाया, तो अब हमारे दो फ्लोर्स हैं, एक ये वाला और एक इससे ऊपर वाला, जो कि ऊपर वालों का है, भाभी जी का। मेरी मदर इन लॉ कहती है कि मुझे ऐसे बंद बंद घुटो घुटो मकानों में नहीं रहना। उनको लगता है भाई यहाँ पे ऊपर आ गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, किससे बातें करूंगी, क्या करूंगी, कितना टीवी देख लूंगी या कितना हम लोगों से बातें। तो उनको मैं नीचे फल फ्रूट लेती रहूं, सबसे राम राम करती रहूं, शाम शाम करती रहूं, इसलिए उनको नीचे मजा आता है। और हम गाड़ी अंदर क्यों खड़ी करते हैं, क्योंकि सोनिका की गाड़ी रिसेंटली चोरी हो चुकी है, हमारी गाड़ी की बैटरीज निकाल ली हैं, तो फिर इसलिए हम सेफ्टी के लिए गाड़ी अंदर खड़ी करते हैं। हम बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी करते थे, हमारी दो तीन बार गाड़ियों की चोरी हो गई है, तो हमें तब ये मजबूर में, तो नीचे पार्किंग है तो हमने इसलिए पार्किंग, और हमारी जो कमर्शियल पार्किंग वगैरह है वो हमारे घर से बहुत दूर है, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं करते। मम्मी आपने ना मुझे डरा दिया एकदम से। यस हिटलर फादर। और पजामा कैसे चेंज हो गया, नीले की जगह ग्रे आ गया। कितने का बिल फाड़ के आए हो लॉट्स पे? हाँ। मैं गई नहीं थी, मैंने शायद देखा 13,000 कुछ का बिल है। झूठ, पापा इतना तो सामान ही नहीं आया, ये सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है। तुम लिमिट का तो फैसला करो, क्यों झूठ बोलते हो, पता है तुम फेंकू। फ्रेंड्स ये सामान आया है बस, सिर्फ बिल बनाते हो ये नहीं देखते भरेगा कौन। ये देखो ये छुपा के रखी है, बिल भरेगा तेरा बाप। मम्मी मेरे पापा तो भरेंगे ही बेचारे, एक बिल आप भी तो भर के देखो कभी। पापा का डायलॉग मार रही हूँ कि ये बिल भरेगा पापा, एक बिल मम्मी से भरवाओ, लाख रुपए दो मैं भर के आती हूँ, काम भरना। अपने पैसों से मम्मी, अच्छा ये बात तो नहीं हुई, बिल भर के आना है तो लाओ दो पैसे, कहाँ भर के आना है मुझे बताओ, मैं लाइन में लगती हूँ। अंडरस्टैंडर्ड होता ही है। देखो अगर तुम्हें ये शौक है कि मैं गर्मी में धूप में जाके लाइन में लगू तो मैं लग जाऊंगी, लाओ दो काम। हमें शौक ये कि आप अपनी जेब से पैसे निकाल के दो, आप कंजूस हो। अंडरस्टैंड होता है, जो बिल कहता है वो भरता है, ये अंडरस्टैंड होता है। मेरे पापा ने तो खर्चा देना कर दिया बंद, तेरे पापा ने शुरू से दिया ही। आप अपने पापा से पॉकेट मनी बंधवाओ अपनी, पापा ने शुरू से दिया ही नहीं, तब ये बता मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से पॉकेट से कहाँ से रुपए निकालू बता मेरे को। राखी एंटरप्राइजेस क्या वो बारिश हो रही है वहाँ नोटों की, जो वहाँ से निकालू? अरे हो जाएगी। पता है मेरा फ्रेंड्स काफी लोगों ने बोला कि आपने बेडशीट का काम बंद कर दिया, तो नहीं, आप सबको प्रॉब्लम हो रही थी कि इस चैनल पे बेडशीट की वीडियो मत डालो, तो हमने छोड़ दी। नहीं करते आंटी, अपना थोड़ा सा बिजनेस अगर चलाती थी तो आप लोगों ने कमेंट करके बंद करवा दिया, तो मैंने इस चैनल पे छोड़ दिया और नया चैनल बनाया राखी एंटरप्राइजेस के नाम से। जिसको भी बेडशीट देखनी हो या लेनी हो तो उस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है मेरे से, राखी एंटरप्राइजेस।